तो अभी जना मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तो बाहर का माहौल भी देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सानिया फैमिली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, और जब मेरे देखने वाले अल्लाह ताला उनको खुश रखे और आबाद रखे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं स्कूल से आई हुई हूँ, तो मैं स्कूल गई थी, तो अभी जो है ना अम्मी कपड़े धो रही है, तो अभी कपड़े उतार कर पहनते हैं, तो कुछ बना रहे हैं, वो भी खा कर खाएंगे, तो आप सब बहन भाई से ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी जो है ना कपड़े शपड़े भी धुले हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें मेरे बच्चे, अभी अभी बच्चे अभी अभी स्कूल से वापस आई हैं। मैं थोड़े से कपड़े थे उनके स्कूल ही, पहले वो धो लूँ फिर मैं उनको खाना देती हूँ। तो आज ना जना कुछ खास बनाते हैं, तो वो क्या आप खास बनने वाला है मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, वो अब जाएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, तो आज कुछ नया बनने वाला है ना, इसलिए ठीक है। तो हुसैन अंदर सोया हुआ था, तो क्या करना पे हुसैन? कार्टून दे दा पे, कार्टून नहीं कर दिया था। मोटर पतली आप ही रहा खड़े, आप ही रहा अंबर आई थी, सानिया आई थी, आया खड़े। तो अभी जो है हम आए घास काटने के लिए, और बेगम साहब जो है ना घास काट रही है, तो देखते हैं कि घास वो कैसे काटती है। अच्छा, घास कटाई हो रही है घास की? अच्छा 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 फिर घास डाल के फिर जो उनको अंदर भी बांध देना है ना। हाँ। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है ना। और ये जो है ना बाहर हमारा गांव है, खूबसूरत गांव है हमारा माशाल्लाह। तो अभी जो घास हमने काट लिया है, अभी घास लेकर जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि साला दो बकरियां हैं, थोड़ा सा घास मैंने काटा है। अच्छा, एक मेरी भी है ना, तेरी को मैं क्यों डालूं, अपनी के लिए काट के ले आओ। अच्छा हाँ। तो अभी जो है ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अभी जो है ना हम बाहर आए हुए हैं, देखो माशाल्लाह से बाहर का व्यू। तो मम्मी ने बकरियों को भी घास डाल दिया है, तो अभी जो है ना अंदर चलते हैं। कि मैंने मम्मी को कहा था, तो कुछ देर ना पहले पानी भी आया था, तो अम्मी जो है ना पानी भी घर का ले गई थी। तो हमारे यहाँ पे स्प्रे का पानी आता है, बहुत ही मीठा होता है, तो हम यहीं से भर कर अंदर ले जाते हैं और यही पानी पीते हैं। हाँ, सालन वगैरह भी इसी से बनाते हैं और चाय भी बनाते हैं इसी से। तो जो है ना ये बाहर का माहौल देखें, सारा सब्जा ही सब्जा है, बहुत ही अच्छा मंजर है बाहर का। तो हुसैन भी बाहर आया हुआ है, अभी हुसैन कहता है कि मेरी भी वीडियो बनाओ। हुसैन कहाँ, क्या कर रहे हो? हैं हुसैन, पहले तो अंदर बैठे थे, आप बाहर आ गए हो हैं? ये क्या खा रहे हो, बिस्किट? हाँ। ये कहता है सुबह जो है ना कह रहा था कि मेरे लिए बिस्किट लेके आना, ऐसे? हाँ जी, हम लेते आए थे, तो हाँ अभी ये बिस्किट खा रहे हैं। अभी जो है ना मैं अम्मी के पास आ चुकी हूँ, तो अम्मी बना रही है चटनी। ये देखें दोपहर के टाइम हम चटनी बना कर लस्सी वाली खाते हैं। चटनी माशाल्लाह हमारे जो गाँव में चटनी बनती है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होती है। तो ये सब धनिया और सब मिर्ची इसको मिक्स करके जो ना इसकी चटनी बना रहे हैं। फिर हम लोग हाँ, बस देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से बनी सब धनिया और सब मिर्चों को पीटती है। अब इसमें डालेंगे लस्सी, थोड़ी सी डालेंगे ताकि मज़ेदार बन सके। देखिए माशाल्लाह से हम सब्जी लेकर आ गए हैं जिला शहर से। तो आज जो है ना आलू और मटर बना रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं आलू मटर। अभी इसे धोती हूँ आलू को। हाँ, तो इसको धोकर फिर बनाते हैं, इस तरह से धोएंगे ताकि मिट्टी ऊपर से उतर जाए, बहुत ज़्यादा मिट्टी है ना। ये देखें एक मिट्टी को पहले धोएंगे, एक मिट्टी दोबारा धोएंगे, जब काट लेंगे ना फिर एक बार फिर धोएंगे। ऊपर ये कवे जो है ना आ गए। तो अभी जो है ना बेगम साहबा जो है ना लकड़ी जो है ना तोड़ कर उनको चूल्हे में डाल कर जो है ना आग जला रही है। हाँ, असल में कुछ दिन पहले जो है बारिश आई है ना, अब कुछ ना कुछ जो है ना सूख गई है, तो अभी आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद जो है ना फिर बनाएंगे।
तो आग जो है हमारे हमने जला लिए, अब रखते हैं ऊपर देखती ऊपर रख के जो है ना फिर डालेंगे। यह हमारे हर रोज की रूटीन है जो है ना, इस तरह मतलब हम सालन बनाते हैं हर रोज। तो घी एक वो कहते हैं ना घी कम डाला करो, कुछ भी वर्ष निकाले घी ज्यादा डाल दो। तो कुछ मटर जो है ना दाजे मार निकाले हैं, तो कुछ जो है ना निकालते हैं बाकी जो बाकी है। तो घी को जो है ना डालेंगे प्याज, प्याज ग्रो होते रहेंगे तो मटर भी निकालते रहेंगे, साथ साथ वीडियो भी बनती रहेगी, खाना भी बन जाएगा और वीडियो भी मुकम्मल हो जाएगी। सारा दिन काम बहुत ज्यादा देते हैं ऐसे ना, सारा दिन सुबह कपड़े धोए हैं पहले, बच्चों को नहलाने के बाद फिर जो है ना फ्री हुए हैं, तो अभी जो है खाना बना रहे हैं, सारा दिन मतलब काम ही काम थे आज। काटती हूँ हरी मिर्च और टमाटर धो के ले आई हूँ, छोटी छोटी हरी मिर्च और टमाटर भी डाल देते हैं। तो अभी आलू काटते हैं, अभी आलू का छिलका उतार कर इसे भी काट देते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सूखा धनिया। अब हमारा तैयार हो गया, अब इसमें डालेंगे मटर, इसे धोकर सूखा डाल दिया है। तो अभी जो है आलुओं की कटाई हो रही है ऐसे, तो यही हमारे सारे दिन की रूटीन होती है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बहन भाइयों को हमारी जो आज की रूटीन है ना वो पसंद आएगी, क्योंकि सारा दिन जो काम होते हैं ना वही हम करते हैं। आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आगे भी हमारी इस तरह सपोर्ट जारी रखेंगे। तो अभी जाना मगरब का टाइम भी होने वाला है, तो बाहर का माहौल भी देखें आप, मगरब का टाइम अभी होने वाला है, बस थोड़ी देर है मगरब का टाइम हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से मटर और मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, अब इसमें डालेंगे आलू। सब धनिया भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया है, अभी से नीचे उतारते हैं। सालन मेरा तैयार हो गया है, अब तवा रखती हूँ और रोटियां बनाती हूँ। तो आज का विदा ये खत्म करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब फैन भी को हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।